इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज आ रही है सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब इस फिल्म की टीम ने इस फिल्म का अनाउंसमेंट किया था तब इस फिल्म की रिलीज डेट रखी गई थी ईद 2023। लेकिन दोस्तों अब इस फिल्म की मेकर्स ने फिल्म को पोस्टपोन कर दिया है और इस फिल्म की न्यू रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दी है और इस फिल्म की न्यू रिलीज डेट रखी गई है दिवाली 2023। मतलब कि इस फिल्म की मेकर्स को ऐसा क्या लगा कि जिसके चलते फिल्म को डायरेक्ट 6-7 महीने पोस्टपोन कर दिया। मतलब कि 1-2 महीने पोस्टपोन करते तो चलता, लेकिन इस फिल्म की टीम ने डायरेक्ट 6-7 महीने पोस्टपोन कर दिया, जो कि बहुत ही बुरा है। मतलब कि फिल्म को ऐसा क्या कारण था कि डायरेक्ट 6-7 महीने पोस्टपोन करना पड़ा। अप्रैल से मई जून या फिर जुलाई में पहुंचा सकती थी फिल्म को, लेकिन इस फिल्म की टीम ने डायरेक्ट नवंबर दिवाली पर पहुंचा दिया है। हालांकि दोस्तों हमें तो ऐसा लग रहा था कि टाइगर 3 बहुत ही जल्द बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आ रही है, बट दोस्तों इस फिल्म के मेकर्स ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और फिल्म को पोस्टपोन कर दिया। फिल्म की रिलीज डेट तो काफी सही रखी है, लेकिन इस फिल्म की टीम ने फिल्म को थोड़ा ज्यादा पोस्टपोन कर दिया है। वैसा दोस्तों सलमान भाई की सभी फैंस इस फिल्म की टीजर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोस्तों अब इस फिल्म की टीजर में शायद देरी हो सकती है क्योंकि फिल्म को बहुत ज्यादा पोस्टपोन कर दिया, तो इस फिल्म का टीजर भी अब बहुत ही लेट आएगा। वैसा दोस्तों आप लोग कमेंट कर बताना कि अब ईद के मौके पर कौन सी फिल्म रिलीज होगी। मतलब कि इस फिल्म को तो अब दिवाली पर पहुंचा दिया, तो ईद पर अब कौन सी फिल्म आएगी। वैसा दोस्तों पूरे चांस है कि ईद पर भी सलमान खान की फिल्म भाई जानी आएगी। हालांकि दोस्तों आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं।